तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन जिसका नाम है द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का मतलब होता है तंत्रिका तंत्र। हमारे बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम इस नर्वस सिस्टम का होता है। इसी के मदद से हम अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण रख पाते हैं और जैसा चाहते हैं वैसे हम अपने बॉडी का यूज़ कर पाते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ नर्व्स के बारे में। तो जो तंत्रिका कोशिका होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, यानी न्यूरॉन्स जो हैं उनके बारे में, स्पाइनल कॉर्ड, दूसरे जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के स्पाइनल कॉर्ड हैं, तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ब्रेन यानी मस्तिष्क, और इसके विभिन्न भागों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे लास्ट में हम लोग सेंस ऑर्गेन्स जो अलग अलग हैं कैसे उनके उनके स्ट्रक्चर हैं और क्या अलग अलग पार्ट का फंक्शन है ये भी साथ साथ स्टडी करेंगे। यू स्टेप इन टू अ डार्क रूम एंड नोटिस घोस्टली शेडोज outside the windows pane. Filled with fear, you rush to switch on the light. अच्छा, क्या होता है कि आप एक डार्क रूम में जाते हैं और आपको घोस्टली शेडो यानी एक ऐसा शेडो दिखाई पड़ता है जो लगता है कि शायद भूत जैसा है, भूतिया आपको छाया दिखाई पड़ता है विंडो पेन के बाहर। तो उस समय क्या होता है, उस समय आप फिल्ड विथ फियर यू रश टू स्विच ऑन द लाइट। आप जल्द से जल्द तुरंत क्या करते हैं, स्विच करते हैं ऑन, और जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो आप क्या देखते हैं, यू सी दैट दे आर जस्ट सम क्लॉथ फ्लटरिंग इन द ब्रीज। तो बस कपड़े थे वो कुछ जिनके कि हवा में उनके सरसराहट की आवाज़ से एक लगता था कि कोई खिड़की के पास है। यू लाफ फॉरगेट अबाउट इट एंड सिट डाउन टू डू वर्क। आप इस बात को भूल जाते हैं और साथ ही साथ अपने इस सिली आप बोल सकते हैं क्या कि बिहेवियर पर आपको खुद पर हंसी भी आ सकती है, और फिर आप अपने काम में बिजी हो जाते हैं, जैसे आप अपना वर्क किया जो भी करते हैं वो करने लगते हैं। ऑल द एक्टिविटीज़ दैट यू हैव जस्ट डन, वॉकिंग इन टू द रूम, सीइंग घोस्टली शेडोज, फीलिंग स्केयर्ड एंड देन लाफिंग एट योर सेल्फ, हैपन अंडर द कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये सब कुछ जो आपने किया, मतलब जैसे जो जो एक्टिविटीज़ किया, यानी कि रूम में आना, अपने घोस्टली शेडो को देखना, फिर डर जो है सो व्याप्त होना, के साथ साथ खुद पर हंसना, ये सब के सब कंट्रोल किसका है इस पर? इस सब पर कंट्रोल है हमारे नर्वस सिस्टम का, यानी कि हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए जो सिस्टम बना हुआ है उसका है। तो आप देख रहे हैं सेम पिक्चर कि घोस्टली शेडो जैसा दिखाई पड़ता है, स्विच ऑन करने के बाद पता चलता है कि यहाँ पे कोई ऐसा कोई घोस्ट लाइक चीज़ नहीं है, बल्कि जो विंडो पेन के पास रखे हुए कर्टेन हैं या कपड़े हैं बस उनके फ्लटरिंग के साउंड थे। द बॉडीज़ कम्युनिकेशन सिस्टम। ये कम्युनिकेशन सिस्टम का क्या काम होता है, संचार व्यवस्था, यानी हमारे शरीर में जो संचार व्यवस्था है, किस तरह से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, कौन डिसीजन लेता है और किस तरह से हम अपने बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं वो इसमें हम लोग स्टडी करेंगे। इन एनी ग्रुप वन और फ्यू पर्सन टेक ऑल द डिसीजंस फॉर द एंटायर ग्रुप। किसी एक समूह की बात करें तो समूह में कुछ लोग या कोई एक व्यक्ति पूरे समूह के बदले, एंटायर ग्रुप के बदले डिसीजन लेता है। इन आवर फैमिली इट इज़ आवर पेरेंट्स। अगर हम लोग बात करें अपने परिवार में कौन डिसीजन लेता है, हमारे अभिभावक लेते हैं। इन अ कंपनी इट इज़ डायरेक्टर। इन आवर बॉडी इट इज़ नर्वस सिस्टम। एक कंपनी में बात करें तो डायरेक्टर डिसीजंस लेता है, और इसी तरह से हमारे शरीर में अगर बात करें तो नर्वस सिस्टम वो है जो हमारे बॉडी का डिसीजन लेता है। ऑल द सिस्टम इन आवर बॉडी परफॉर्म सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। शरीर के जितने भी हिस्से हैं वो सभी किसी न किसी महत्वपूर्ण काम को, फंक्शन को करते हैं। द नर्वस सिस्टम डिसाइड्स व्हेन दे आर टू बी डन। अब नर्वस सिस्टम का ये काम होता है कि जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं वो कब उस वर्क को करेंगे, ये बात कौन डिसाइड करता है, तो ऑफ़ कोर्स नर्वस सिस्टम करता है। इन द प्रीवियस एग्जांपल व्हेन यू वेयर फिल्ड विथ फियर योर नर्वस सिस्टम डिसाइडेड दैट यू शुड रन एंड स्विच ऑन द लाइट। देखिए पिछले जो एग्जांपल को हम लोगों ने देखा उसमें आपके नर्वस सिस्टम ने क्या डिसाइड किया कि आपको लाइट जलाना है। इट कुड जस्ट
as well have made you rush out of the room or keep standing still in the room screaming for your mother. तो ये इसके बदले ये भी हो सकता था कि उस रूम में डर, मतलब कि बोल सकते हो क्या कि घोस्टली शेडो को देखकर आप भाग भी सकते थे, या वहीं खड़े होकर के आप माँ को पुकारने लगते, जोर जोर से चीखने लगते, ये भी संभव होता. सो द डायरेक्टर दैट इज़ योर नर्वस सिस्टम डिसाइड व्हाट यू शुड डू एंड हाउ फास्ट. तो हमारे बॉडी में जो डायरेक्टर है, जो निर्देश देने का काम कर रहा है, वो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो ये बताता है कि आपको काम क्या करना है, क्या करना चाहिए, साथ ही साथ हमें कितना जल्दी करना चाहिए, हाउ फास्ट वी शुड डू दैट. टू टेक सच डिसीजंस द नर्वस सिस्टम गेट्स इन्फॉर्म्ड फ्रॉम ऑल द बॉडी पार्ट्स. अब देखिए, नर्वस सिस्टम को डिसीजन लेना है, इसके लिए उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए. ये इन्फॉर्मेशन उसके बॉडी के हर एक हिस्से से पहुँचता है, यानी हमारे शरीर के हर एक हिस्से से इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचाया जाता है. इट पुट्स द इन्फॉर्मेशन टुगेदर, डिसाइड व्हाट इज़ टू बी डन एंड देन सेंड्स डायरेक्टर्स डायरेक्शंस टू द बॉडी पार्ट्स फॉर द एक्शन टू बी टेकन. तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है सबको एक साथ, यानी कि इन्फॉर्मेशन जैसे टुगेदर एक साथ पुट टुगेदर होते हैं, एक साथ रखे जाते हैं, और उसके उसमें प्रीवियस एक्सपीरियंसेस और पर्टिकुलर उस समय ये डिसाइड किया जाता है कि क्या करना है और किस डायरेक्शन में हमारे अपने बॉडी पार्ट को एक्शन लेना है. इन अदर वर्ड्स द नर्वस सिस्टम इज़ द बॉडीज़ कम्युनिकेशन सिस्टम. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमारे पूरे शरीर का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, यानी कि पूरी संचार व्यवस्था जो है, वो हमारा नर्वस सिस्टम ही है जो पूरी तरह से बॉडी में आप बोल सकते कम्युनिकेट कर रहा है, सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहा है. और इसमें ऑफ कोर्स जो इनके पार्ट्स हैं, अब इसको हम लोग देखेंगे. द नर्वस सिस्टम हैज़ थ्री मेन पार्ट्स. हमारे नर्वस सिस्टम के मुख्य तीन हिस्से होते हैं. सबसे पहला नर्व्स या न्यूरॉन, यानी तंत्रिका कोशिका. दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, तो ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड हैं बीच वाले हिस्से. और तीसरे हमारे ब्रेन हैं. तो बेसिकली एक यहाँ पे स्ट्रक्चर में अगर देखें तो आप देख पा रहे हैं जो ढेर सारे न्यूरॉन्स हमारे बॉडी में, तो न्यूरॉन को ही नर्व्स कह रहे हैं. अब ये सारे जो नर्व्स हैं वो एक इन्फॉर्मेशन के सुपर हाईवे से कनेक्ट होते हैं, जिन्हें स्पाइनल कॉर्ड कह रहे हैं. स्पाइनल कॉर्ड किस चीज़ से प्रोटेक्टेड होता है? स्पाइन से. और ये सारे इन्फॉर्मेशन जाते हैं किसके पास? ब्रेन के पास, जो डिसाइड करता है कि हमें क्या करना है और कितना फास्ट करना है. अब ब्रेन के भी डिफरेंट हिस्से हैं जिसको ऑलरेडी हम लोग स्टडी करने वाले हैं. तो यही तीन, यानी कि नर्व्स या न्यूरॉन, जो हमारे पूरे बॉडी में बिखरे हैं, कुछ जैसे कि वायर होता है, घर में वायरिंग की गई होती है, ठीक उसी तरह से हमारे शरीर में न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका, हमारे पूरे शरीर में इनका नेटवर्क है. ये सारे नेटवर्क जो है एक सुपर हाईवे इन्फॉर्मेशन से जुड़े हुए होते हैं, जिन्हें स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, और ये कनेक्ट होता है ब्रेन से. इस तरह से न्यूरॉन जो होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, ये पूरे बॉडी के इन्फॉर्मेशन को एक साथ ब्रेन तक पहुंचता है, फिर यहाँ से डिसाइड किया जाता है कि क्या करना है, और फिर इन्फॉर्मेशन इसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड होते हुए, न्यूरॉन्स होते हुए हमारे बॉडी के विभिन्न हिस्सों तक पहुँचता है. जो डिज़ायर्ड एक्शन लेना होता है, जो ज़रूरी काम उस समय करना होता है, वो हम अपने बॉडी पार्ट से काम ले पाते हैं. चलिए एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग नर्व्स के बारे में. नर्व्स या न्यूरॉन. नर्व्स आर स्प्रेड थ्रू द बॉडी. ये पूरे शरीर भर में क्या होता, फैला हुआ होता. दे आर मेड अप ऑफ नर्व सेल कॉल्ड न्यूरॉन्स. तो पूरे नर्व्स जो है ऑफ कोर्स जिन सेल से बने हुए होते हैं उन्हें न्यूरॉन्स बोलते हैं. हिंदी इसका तंत्रिका कोशिका भी होता. दे कैरी मैसेजेस बैक एंड फोर्थ लाइक टेलीफोन वायर्स. यानी ये दोनों दिशाओं में मैसेजेस को ले जाने और लाने का काम करते हैं, जैसे कि टेलीफोन के वायर्स करते हैं, कि जिधर से कॉल जो भेजने वाला सेंडर है, सेंडर का इन्फॉर्मेशन ले जाएगा रिसीवर के पास, और रिसीवर का इन्फॉर्मेशन फिर जो सेंडर था उसके पास पहुंचाएगा. तो दे कैरी मैसेजेस बैक एंड फोर्थ लाइक टेलीफोन वायर्स. टेलीफोन वायर्स की तरह ये सूचनाओं को लाते और ले जाते हैं. नर्व्स कैरी मैसेजेस बिटवीन द ब्रेन एंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी.
तो यहाँ पर किसके किसके बीच इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हुआ करता है? तो ये ब्रेन और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के बीच ये एक्सचेंज हुआ करता है, यानी कि हमारे मस्तिष्क एवं शरीर के विभिन्न अंगों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? द नर्व्स, यानी न्यूरॉन के माध्यम से होता है। देर आर थ्री काइंड्स ऑफ नर्व्स। अब नर्व्स या न्यूरॉन जो हैं, इनके भी थ्री टाइप्स हैं। सबसे फर्स्ट है जिसका नाम है मोटर नर्व्स, दूसरा सेंसरी नर्व्स और तीसरा मिक्स्ड नर्व्स। फर्स्ट मोटर नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ब्रेन से इन्फॉर्मेशन लेकर के शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का काम करते हैं ये। दूसरे हैं सेंसरी नर्व्स, यानी कि संवेदना वाले, तो कैरी मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गेन। अब हमारे फाइव सेंस ऑर्गेन हैं, यानी कि आइज, नोज, टंग, ईयर्स एंड स्किन। इन सब से सूचनाओं को लेकर कहाँ पहुँचाता है ये? ब्रेन तक पहुँचाता है। अब सबसे लास्ट वाले आपको मिक्स नर्व्स कैरी मैसेजेस इन बोथ वेज, यानी कि ये ब्रेन से बॉडी पार्ट्स के तरफ और बॉडी पार्ट से ब्रेन के तरफ दोनों डायरेक्शन में इनका मैसेज का एक्सचेंज हुआ करता है। तो इस तरह से नर्व्स के थ्री टाइप्स बताए गए। मोटर नर्व्स जो ब्रेन से बॉडी पार्ट्स की तरफ मैसेजेस भेजे जाते हैं, सेंसरी नर्व्स जो हमारे सेंस ऑर्गेन से ब्रेन की तरफ मैसेज भेजे जाते हैं, और मिक्स जो होते हैं वो दोनों डायरेक्शन में मैसेज का आदान प्रदान किया जाता है।